सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर 2020 को राज्य सरकार की नियोजन नीति व हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था, जिसके बाद राज्य के 13 अनुसूचित जिलों के प्रभावित नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा उच्चतम न्यायालय में SLP दायर कर अपना पक्ष रखा था, जिसकी बुधवार 14 अक्टूबर को पहली सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय रांची के फैसले पर स्टे लगाते हुए प्रभावित हाई स्कूल शिक्षकों की नौकरी बरकरार रखी है। झारखंड हाईकोर्ट जो हम लोगों को नीति को और हमारा नौकरी को बिल्कुल निरस्त कर दिया था, जो कहीं ना कहीं गलत था, हम लोग इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा, हमारे एडवोकेट मुकुल रतोगी जी ने हम लोगों का पक्ष वहाँ रखा, जिसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हमारी नौकरी जो है बरकरार रहेगी फिलहाल, और जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक हाईकोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल स्टे में रहेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जो आदेश था या फिर जिसका जजमेंट था उसको अभी स्टे लगाया है, तो उसके लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद बोलते हैं। और जितने भी शिक्षक इसके पीछे मेहनत किए, मंत्रीगण, हमारे विधायक और जितने भी हमारे बैक सपोर्ट जितने थे, उन लोगों को धन्यवाद। अब हमारी रणनीति होगी कि स्टे के बाद जो अगली सुनवाई हो उसमें हम अपना पक्ष मजबूती से रखें, और ये हमारे ही भविष्य की बात नहीं है, हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में उनकी भविष्य हमारे फैसले से जुड़ी हुई है। तो जिस तरह अभी स्टे मिला है हम खुश हैं, उसी तरह हमारे पक्ष मजबूत रहेंगे। इस फैसले का रांची जिले के प्रभावित नवनियुक्त शिक्षकों ने स्वागत किया है, इसके साथ ही उन सबों में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी को धन्यवाद दिया, साथ ही राज्य सरकार से जल्द साथ देने की अपील की है। को धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई, और सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद, सरकार को बहुत धन्यवाद, कि ईश्वर को बहुत धन्यवाद कि आज हमारे फेवर में हमारा स्टे लगा है। और जहां तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को नहीं मिली थी, ये आरक्षण सभी के लिए थी, जनरल को भी मिली थी, मैं खुद हूँ जिसमें कि मुझे भी इसका लाभ मिला था। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और सभी विधायकों से मिलकर अपना पक्ष रख रहे थे। राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हम आपकी नौकरी जाने नहीं देंगे, हर हाल में आपकी नौकरी बचाई जाएगी। राज्य सरकार को धन्यवाद दिया, साथ ही कहा कि सरकार का सपोर्ट हम सभी के साथ रहा है, अब हम निवेदन करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे और हमारा साथ उच्चतम न्यायालय में दे। अभी तक हम लोग जो है झारखंड के मुख्यमंत्री, माननीय सभी मंत्रीगण, सभी विधायक से बार बार मिल रहे थे, और मिलते हुए हम लोग जो है उनको अपना पक्ष रख रहे थे, और पक्ष रखते हुए हम लोग उन पे कह रहे थे कि हमारी नौकरी को बरकरार रखी जाए, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। और सभी मंत्रीगण, सरकार ने हमसे वादा किया था कि आप लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, और ऐसा हो भी रहा है। सरकार हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, भारत का संविधान जो है हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और हमारी नौकरी बरकरार है। और सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार अपना पक्ष हम लोगों के साथ वहाँ पे रखे, हम लोगों के लिए रखे और हमारी नौकरी को बचाए। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।